हेलो बच्चों, आप कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज सिखाता हूँ आपको एक नई रिएक्शन जो दे रखी है हमारे बोर्ड पर, दे रखी है, इसको बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ मैं। तो ये दे रखा सोडियम, ये दे रखा आयोडीन, दे रखा बनता है कि हमारा सोडियम आयोडाइड बनता है। देन LHS में डिवाइड कीजिए एंड RHS में डिवाइड कीजिए। इस पार्ट को बोलते हैं LHS बोलते हैं, इस पार्ट बोलते हैं RHS में डिवाइड कर लीजिए आप। सोडियम यहाँ पर दे रखा है ओनली वन, आयोडीन दे रखा है यहाँ पर टू दे रखा है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, यही सेम ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स जो है सामने सामने हो ज़्यादा अच्छा रहता है। सोडियम यहाँ पर दे रखा है वन दे रखा है, आयोडीन की बात करो तो यहाँ पर दे रखा हमारा वन दे रखा है। सबसे पहले आप चेक करिए क्या डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा है। जो भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम यहाँ पर वन है, सोडियम यहाँ पर वन है, आयोडीन यहाँ पर टू है, आयोडीन भी यहाँ पर क्या वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन, यही एक मेजर डिफरेंस आ रहा है दोनों बीच में। यही हम लोग को क्या करना है, सेम इक्वल करना है दोनों साइड को। तो सेलेक्ट करता है ऐसा कोई नंबर जो हमारा रिएक्शन को बैलेंस कर सके। आयोडीन टू दे रखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आपका टू का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सोडियम में भी क्या होगा, टू का मल्टीप्लाई होगा, तो सोडियम भी हमारा क्या हो गया, टू हो गया। ये टू का मल्टीप्लाई किस में होगा, हमारा आयोडीन में होगा, टू हो गया तो ये टू आ गया, क्लियर हो गया। अब ये जब टू इज सोडियम में तो क्या होगा, यहाँ पर वन रख क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम हमारा क्या हो गया, टू हो गया। अब चेक करते हैं कि दोनों साइड के बैलेंस कितनी बैलेंस है। सोडियम टू दे रखा है, सोडियम टू दे रखा है, आयोडीन टू है तो आयोडीन टू दे रखा है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? या ऑफकोर्स ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। और आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आप लोग को मैंने सिखाया बहुत आसान तरीके से, तो आप लोग भी चैनल को क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को जरूर प्रेस कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।